अंधो दुनियादार आदमी है, हमें कहां फुर्सत है कि हम 8 साल 9 साल पढ़े। हालांकि इल्म हासिल करना हर मोमिन के जिम्मे इस तरह फर्ज है खुदा की कसम जिस तरह उसके जिम्मे नमाज फर्ज है। जिस तरह उसके जिम्मे नमाज फर्ज है इस तरह उसके जिम्मे इल्म फर्ज है। मुहद्दिस होना मुफस्सिर होना ये फर्ज है नहीं, ये फर्ज किफाया है, लेकिन अपनी जात से मुताल्लिक इल्म हासिल करना कि जिससे मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर दूं, इतना इल्म हासिल करना हर मोमिन के जिम्मे फर्ज ऐन है। दूसरी बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि हर चीज इल्म है, जो चाहो सीखो, डॉक्टरी सीख लो, इंजीनियरिंग सीख लो, साइंस सीख लो, ये भी इल्म है, और हदीस सीख लो, कुरान सीख लो, फिकह सीख लो, तफसीर सीख लो, ये भी इल्म है। तो क्या बात है मैं ये इल्म हासिल कर लूं, आप ये इल्म हासिल कर लें। मैं आपको ये नहीं, आपको महसूस हो रहा होगा कि ये क्या बातें कर रहा, मैं ये चाहता हूं मेरे मोहतरम दोस्तों कि हम इल्म के बारे में यानी एक पस्ती में पड़े हुए हैं उससे निकले, उससे हमें निकलना चाहिए। समझ दे कि उम्मत की जहालत की एक वजह यह भी है कि उसने हर चीज को इल्म करार दे दिया। देखो मेरे बुजुर्ग दोस्तों आजीजों, वजाहत से अर्ज करता हूं कि डॉक्टरी सीखना, इंजीनियरिंग सीखना, साइंस में कमाल हासिल करना हम इससे नहीं रोकते, बल्कि करना चाहिए, लेकिन इसको इल्म समझकर, इसको इल्म समझकर इससे इल्म का एहतसाब करना, और जो चीज असलन इल्म है, जो फर्ज है, जिसका सवाल है कब्र में भी हशर में भी, कब्र में भी सवाल है, पहला सवाल है मन रब्बू का व मा दीनू का, कि दीन क्या है, रब कौन है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो कि नहीं पहचानते। यह है असल इल्म। इसको छोड़कर दुनिया के उलूम को हासिल करना और उस पर अजर की उम्मीद रखना, हमें एक साहब मिले दिल्ली के बड़े डॉक्टर, कहने लगे मुझसे कि मैं चीन जा रहा हूं डॉक्टरी सीखने के लिए, मुझे हुकूमत भेज रही है कहां, चाइना, और साथ साथ कहने लगे कि क्योंकि हदीस में आया है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ। उस दिन मैं समझा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इल्म यहां पहुंच गया कि वो हदीस जिसमें इल्म हासिल करने के लिए चीन तक का सफर करने की तरगीब इसलिए दी कि अगर तुम्हें इल्म इलाही हासिल करने के लिए चीन के अलावा कहीं इल्म न मिले तो तुम इस फरीजे को हासिल करने के लिए चीन जाओ। इसने इस हदीस को दुनिया के फन के लिए इस्तेमाल किया। मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा आपने कुरान कितना पढ़ा, नमाज के इल्म कितना हासिल किया। कहने लगे कि हाँ मैं सोच रहा हूं कि जब चीन से आ जाऊंगा तो फिर किसी से कहूंगा कि मुझे नमाज भी सिखला दे, कुरान भी सिखला दे। बुजुर्ग दोस्तों गौर करो, सोचो, जो चीज इल्म नहीं थी उसको इल्म करार देकर उस चीज से जाहिल है जो असल इल्म है। इसलिए याद रखियो हमेशा
کہ علم علم قبر کے تین سوالات کا نام ہے. رب کو جاننا، اپنے دین کو جاننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، یعنی عقائد کا صحیح ہونا، عبادات کا صحیح ہونا، اور پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں کے مطابق ہو. یہ قبر کے تین سوالات کے اندر وہی کامیاب ہوگا جو اپنی ذات پر محنت کرے. ان تین اعتبار سے سارا علم قبر کے تین سوالات کے اندر محدود ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی چیز علم ہوتی تو قبر میں اس کا سوال ہوتا. ہم سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی. جس کا یقین لے جائے گا وہ قبر میں جواب صحیح دے گا. ہمیں یہ بات اس لیے کرنی پڑی کہ لوگ اس علم سے غافل ہیں اور ناواقف ہیں جس کو علم کہتے ہیں، اور اس چیز کا نام علم رکھ لیا ہے جس کو علم نہیں کہتے، فن کہتے ہیں. ڈاکٹری سیکھنا فن ہے، سائنس فن ہے، بے شک یہ فنون ہے. علوم الہیہ وہ جس کا سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، یوں علم دو قسم کا ہوا کہ زبان کا اور دل کا. پھر اس میں علم دو قسم کا ہے، فضائل کا اور مسائل کا. فضائل کا علم کیوں؟ دیکھو فضائل کے علم کا مقصد اور فضائل کے علم کا کے حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے ساتھ کیا محنت ہے. مجھے یعنی چونکہ چھ صفات میں ساری ہدایت اور ساری بات سمجھ لینی چاہیے. یہ چھ نمبر کہ فضائل کی تعلیم کا مقصد، فضائل کی تعلیم کا طریقہ، فضائل کی تعلیم کے ساتھ محنت. فضائل کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اعمال کے اندر احتساب پیدا ہو، یعنی اللہ سے اجر کی امید کہ اللہ مجھے اس عمل پر کیا دینے والے ہیں، اللہ مجھے اس عمل پر کیا دینے والے ہیں. اگر فضائل کی تعلیم میں فضائل کے دھیان کے ساتھ عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر اعمال کے اندر ترقی نہیں ہوتی. کہ اعمال کی ترقی فضائل کے دھیان کے ساتھ عمل کرنے میں ہے. احتساب کہتے ہیں اللہ سے اجر کی امید رکھنا، یہ اجر بھی احتساب پر ملے گا. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا اجر من لا حسبۃ لہ، کہ جس میں احتساب نہیں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. لا اجر من لا حسبۃ لہ، یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اجر تو احتساب سے ملے گا، کہ ہر عمل کو بعدوں کے یقین پر لاوے. اس لیے ہمیں ہر عمل وعدوں کے یقین کے ساتھ کرنا ہے. کہ ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ کہ اللہ نے مجھے اس عمل پر یہ دینے کا وعدہ کیا ہے. الف لام میم کہا نا ہم نے، سنو الف لام میم، ہمیں یقین ہو کہ اللہ نے مجھے 30 نیکیاں دے دی، یعنی ہر عمل کو اس عمل کی فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرنا، یہ ہے تعلیم کا مقصد. ہماری تعلیم الگ ہو رہی ہے، عمل الگ ہو رہا ہے. تلاوت کر رہے ہیں، فضائل سامنے نہیں ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، فضائل سامنے نہیں ہیں. امام کے ساتھ آمین مل گئی تو کیا فضیلت ہے، صفحہ اول مل گئی تو کیا فضیلت ہے، تہجد کی کیا فضیلت ہے، مسواک کی کیا فضیلت ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں آج یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان فضائل کے دھیان کے ساتھ عمل نہ کیا تو پھر یہ سارے اعمال عادت بن جائیں گے، اور عادت تو غفلت پیدا کرتے ہیں. کہ عادت غفلت پیدا کرتے ہیں. اجر احتساب سے ملے گا. ہر عمل کو فضیلت کے دھیان کے ساتھ کیا کرو. جب کسی عمل کے کرنے کا وقت آیا کرے تو اس سے پہلے اس کے فضائل کا دھیان کیا کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں ہے کہ جب کوئی عمل کرنے لگو فوراً سوچا کرو کہ اس عمل سے متعلق حدیث میں کیا فضیلت ہے. یہ ہے اصل کرنے کا کام. میرے بزرگ دوستو عزیزو،
ये चीजें तो अब बातों में मुजाकरों में आती नहीं, सिर्फ सफर का प्रोग्राम सुनता रहता हूं ना हिदायत के, उस सफर का प्रोग्राम बता दिया और रवाना कर दिया जमातों को, नहीं चिल्ले चार महीने जब तालीम होगी उस तालीम में सुबह से शाम तक सुनेगा कि इस अमल पर यह फजीलत है, इस अमल की यह फजीलत है, खुद ब खुद तबीयतें बदलेंगी जब आमाल को फजाइल के ध्यान के साथ उसके इस्तेहजार के साथ करेगा। वरना हम ऐसा फरमाते थे कि अगर अमल को फजीलत के ध्यान के बगैर करेगा तो ये अमल इसके लिए बोझ बन जाएगा, ये अमल इसके लिए बोझ बन जाएगा कि कैसे करे क्योंकि फजीलत ही नहीं है सामने। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, इस तरह हमें फजाइल की तालीम का मकसद समझना चाहिए। फिर फजाइल की तालीम का तरीका क्या हो? फजाइल की तालीम का तरीका यह है कि तालीम कराने वाला अपने घर में या मस्जिद में या अल्लाह के रास्ते में निकलकर या मकाम पर या सवारी में जहां भी तालीम करा रहा है, तालीम कराने का तरीका यह है कि एक एक हदीस को तीन तीन बार पढ़े, एक एक हदीस को तीन तीन बार पढ़े। हदीस में ही आता है हुज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जब आप कोई अहम बात फरमाते थे तो तीन मरतबा फरमाते थे, इज़ा तकल्लम बिकलिमतिन आदहा सलासन, जब आप कोई बात फरमाते तो तीन मरतबा फरमाते थे, यहां तक कि आपकी बात को अच्छी तरह समझ लिया जाता, आपकी बात को अच्छी तरह समझ लिया जाता, हत्ता युअक्ल अन्हु, रिवायत में। तालीम कराने वाला अपने मजलिस से गाफिल ना हो, तालीम कराने वाला एक एक हदीस को बार बार पढ़े और मजलिस की तरफ देखता रहे, मुतवज्जे करता रहे। और तालीम कराने वाले को चाहिए अगर वो मौलवी है, आलिम है, सही हदीस को पढ़ सकता है, अरबी का यानी अरबी का मतन हदीस का, तो एक मरतबा हदीस अरबी का अरबी की इबारत पढ़े, क्योंकि जो नूर हुज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का आज के अल्फाज में है, जाहिर बात है कि मुतर्जिम की जुबान तो मुतर्जिम की है। हम समझते थे कि अरबी में जो हदीस लिखी हुई है इसलिए एहतराम किया गया फजाइल में भी और मुंतखब में भी कि अरबी की इबारत तर्जमे के साथ हो। तो फजाइल की तालीम में अरबी की इबारत अगर पढ़ सकता हो, गैर मौलवी को तो नहीं चाहिए कि वो पढ़े, लेकिन मौलवी को चाहिए कि अरबी की इबारत पढ़े एक मरतबा, फिर उसका तर्जमा पढ़े। क्यों, क्या मकसद है इसका? मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, हम आपस की बातों का असर लेते हैं, फला का बयान हुआ सुना अच्छा लगा, जी हाँ समझते थे कि अफसोस की बात यह है कि बराह रास्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल से, आपकी हदीसों से बराह रास्त असर लेना खत्म हो गया, कि जो असर जो तासीर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज की है, सहाबा किराम ने उन अल्फाज की हिफाजत का एहतमाम किया है रिवायत के नकल करने में। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, हम तालीम कराने में अगर आलिम हो, इबारत पढ़ सकता हो हदीस की, तो अरबी की इबारत पढ़नी चाहिए। तालीम कराने का तरीका यह है कि एक एक हदीस को तीन तीन बार पढ़े। तालीम में बैठने वाले साथी टेक न लगावे, आपस में बातें ना करें, बावजू बैठें, बल्कि हम फरमाते थे कि इतना अदब से बैठे कि हदीस का नूर महसूस करे, क्योंकि अमल की इस्तेदाद सिर्फ सुनने से नहीं आती, बल्कि अमल की इस्तेदाद हदीस के नूर से पैदा होगी।
تعلیم میں باادب بیٹھو، ایسے بیٹھو تعلیم میں جس طرح نماز میں، تحیات میں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، باوضو بیٹھو. اور یقین رکھو کہ یہ وہی مجلس ہے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں نہیں ہے، ورنہ آپ کے اقوال ہیں، آپ کی امت ہے، آپ کی احادیث ہیں، اور اس حلقے کو فرشتوں نے اپنے پروں سے آسمان تک گھیرا ہوا ہے. اس کا یقین. میرے بزرگ دوستو، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، پرسوں بھی عرض کیا تھا، کہ ہر وہ مجلس، وہ درس و تدریس ہو، وہ تبلیغ اور تذکیر ہو، یا وہ تعلیم کا حلقہ ہو، ہر وہ مجلس جس میں اللہ، اللہ کے رسول کی بات کہی جا رہی ہو، سنی جا رہی ہو، وہ سب کی سب ذکر کی مجلس میں شامل ہیں. اس میں تنگی نہیں ہے. حدیث میں جو آیا ہے کہ جو قوم اللہ کے ذکر پر جمع ہوتی ہے، کہ فرشتے سے آسمان گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے، اور اللہ کی طرف سے نمبر سکینہ نازل کیا جاتا ہے، یہ صرف تسبیحات کے ذکر تک محدود نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر صرف تسبیحات تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین کی ہر مجلس، وہ درس و تدریس ہو، وہ تعلیم اور تذکیر ہو، وہ وعظ اور نصیحت ہو، ہر وہ مجلس جس سے اللہ کی یاد مقصود ہے، باعتبار اس کے نام کے، یا اس کے کام کے، یا اس کے احکامات کے، وہ تمام مجالس ذکر کے مجالس ہیں، اور ان تمام مجالس کے لیے وہی وعدہ ہے اور وہی فضیلت ہے جو فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، کہ فرشتے آسمان تک اپنے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری اس وقت کی مجلس کو بھی فرشتوں نے آسمان تک گھیرا ہوا ہے اپنے پروں سے. ہم تعلیم میں اس یقین کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ایک حدیث کو توجہ کے ساتھ سنیں. دو ڈھائی گھنٹے جم کر تعلیم ہو. تعلیم کا طریقہ یہ کے ساتھ محنت یہ ہے کہ وہ مسجدیں جن میں ایک وقت میں آٹھ دس آدھے وقت دینے والے ہیں، وہ اپنی مسجد میں تعلیم کا حلقہ قائم کرتے ہوئے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو جو بھیجیں گے ملاقاتوں کے لیے، کہ آج کے مشورے کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ لوگوں کو نقد مسجد میں تعلیم میں آنے کی بھی دعوت دیں گے. یہ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت ہے. مقام پر ہوتے ہوئے یہ تعلیمی گشت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں کر رہے تھے، مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے محدثین کا امام ہے، وہ بازار میں تعلیمی گشت کر رہے تھے. کہہ رہے تھے لوگوں سے، بازار والوں سے، کہ اے بازار والوں، تمہیں کس نے اتنا عاجز کر دیا کہ مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم بازار میں ہو. یعنی یہ تعلیمی گشت مقام پر ہوتے ہوئے خود سارے محدثین کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام المحدثین خود گشت کر رہا ہے بس جو ہے مدینہ کے بازار میں. صحیح روایت ہے کہ مدینہ کے بازار میں گشت کرتے ہوئے لوگوں سے کہہ رہے تھے، ما عاجزکم یا اہل السوق، کہ بازار والو، تم نے کتنی عاجز کر دیا کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم بازار میں ہو. میرے بزرگ دوستو، خوب سمجھ لو اچھی طرح کام کو، کہ وہ مسجدیں جس میں مسجد کی جماعت بنی ہوئی ہے دعوت، تعلیم، استقبال کے اعتبار سے، اپنے مقام پر رہتے ہوئے مسجد میں ایمان اور تعلیم کا حلقہ قائم کرنے والے ساتھیوں کو طے کر کے باقی ساتھی ملاقاتوں کے ذریعے سے آج کے مشورے کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے وصولیابی ہے، تشکیل ہے، گھر گھر کی، فرد فرد کی ملاقات ہے، ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے ساتھیوں کو نقد
मस्जिद में आने की दावत दें और कहें कि मस्जिद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज तकसीम हो रही है, इल्म फजाइल की तालीम का हल्का हो रहा है, आप तशरीफ ले चलें। इस तरह हमें अपने मकाम पर भी और बाहर निकलकर तो हर जमात को एक वक्त तालीम के साथ जमकर सारे साथियों को तालीम के हल्कों में बैठना है और एक वक्त तालीम के साथ हमें तालीमी गश्त भी करना है, दो दो साथी जाए और वो साथियों को और लोगों को तरगीब देकर नकद तालीम के हल्कों में लाने की कोशिश करें। यह है तालीम के साथ मेहनत। तो तालीम का तरीका, तालीम का मकसद और तालीम के साथ मेहनत, तालीमी गश्त, ये तीनों काम तालीम के साथ हैं। यह है फजाइल का इल्म। इसी के साथ साथ मसाइल का इल्म, मसाइल का इल्म, उलमा से पूछो। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, इल्म के इस तीसरे नंबर के इस तीसरे नंबर की हकीकत के हासिल होने की अलामत यह है कि हमारे दिलों में उलमा की मोहब्बत हो। जिसके इल्म से मोहब्बत नहीं है उसे उलमा से मोहब्बत नहीं होगी। हम समझते हैं कि उलमा की ज़ियारत का इबादत यकीन करो। क्यों उलमा की ज़ियारत? इनकी तश्कील के लिए कि नहीं, उलमा की ज़ियारत, उलमा की मजालिस के महताज बनो ताकि अपनी जहालत दूर हो। अल्लाह का फजल है कि ये सूबा उलमा के सूबा है, बड़े बड़े मदारिस हैं। उलमा से ताल्लुक बढ़ाओ, हर कदम पर पूछा करो उलमा से, मैं शादी कैसे करूं, मैं तिजारत कैसे करूं, मैं ये ज़राअत कैसे करूं, ये मेरी मुलाजमत का तरीका कैसा है, हर कदम पर पूछो उलमा से, एक बात को पूछो। ये ना हो खुदा ना करे कि हमारी तबीयत में तंगी पैदा हो जाए। हाँ, कहन तबलीग वाले या इल्म वाले, ये बात नहीं है, बल्कि उलमा की ज़ियारत को इबादत यकीन करो। जहां जमात में गए हैं वहां के उलमा से भी इस्तिफादे की कोशिश करो। हम तो अपनी इस्लाह के लिए और इस्तिफादे के लिए उनसे मुलाकात करें जितना वक्त उनके पास हो, कि उनसे दुआ की दरख्वास्त करना और उनसे मसाइल का पूछना। अपने अहवाल ही बता दो कि जमात आई हुई है, इलाके में मेहनत हो रही है, अल्लाह का फजल है, आपकी दुआओं से तवज्जो से ये मेहनत है और ये नतीजे हैं। कि अपनी अपने फजाइल नहीं बयान करने वहां कि हमने ये कर दिया, बल्कि जो नतीजे हैं वो आपकी दुआओं से और आपकी तवज्जो से हैं। इस तरह हमें हर जगह जाकर वहां के उलमा से इस्तिफादा करना है और उनसे दुआओं की दरख्वास्त करनी है। अपने मकाम पर रहते हुए रोजाना कुछ वक्त फारिग करो कि जिसमें उलमा के मजालिस से फायदा उठाओ। तय करो कि यह वक्त मेरा मस्जिद के लिए है कि मैं हमारे दावत में लगूंगा, यह वक्त मेरा तिजारत का है, यह वक्त मेरा ऐसा है कि इस वक्त में मैं किसी आलिम के मजलिस में जाकर इल्म हासिल करूं। मेरे महतरम दोस्तों बुजुर्गों, इस तरह उलमा की जियारत से और उलमा की मजालिस से अपनी जहालत दूर करो, वरना खुदा ना करे ये ना हो कि इल्म अलग हो तबलीग अलग। क्या समझते हैं कि मैं तो ये चाहता हूं कि हर फिरने वाला आलिम जाकिर होकर फिरे, जाहिल गाफिल होकर नहीं, कि जाहिल व गाफिल होकर फिरे तबलीग में, कि नहीं इल्म और जिक्र को लेकर फिरना है। इल्म और जिक्र का खुलासा फरमाते थे कि इल्म और जिक्र का खुलासा यह है कि अल्लाह की इताअत अल्लाह के ध्यान के साथ हो जावे। यह इल्म और जिक्र का खुलासा है कि अल्लाह की इताअत अल्लाह के ध्यान के साथ हो। ये सुनो भाई, सुनो बात, सुनो ध्यान से, इधर ना देखो, आप हमें देखें, हाँ शोर ना देखें, बहुत ध्यान से सुनो बात। इल्म और जिक्र का खुलासा फरमाते हुए
कि इल्म जिक्र का खुलासा यह है कि अल्लाह की इताअत अल्लाह के ध्यान से हो जाए, ये इल्म जिक्र का खुलासा है। इसी मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, अपने अंदर की गफलत को तोड़ने के लिए जिक्र है कि हम सुबह शाम अपना वक्त बिल्कुल फारिग करके तस्बीहात का तिलावत का एहतमाम करें, तस्बीहात का तिलावत का एहतमाम करें, अल्लाह के साथ जिक्र में तन्हा हो जाना चाहिए कि जिक्र के जिक्र तो तन्हाई जाता है अल्लाह के साथ। वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, कि अल्लाह के साथ तन्हा होकर जिक्र करो कि अल्लाह के गैर से कट कर। जिक्र बावजू तन्हाई में बिल्कुल अल्लाह के साथ तन्हा हो जाओ और देखो अल्लाह के ध्यान के साथ जिक्र करो। हमारी मुश्किल तो यह है कि हमारी तस्बीहात चलते फिरते पूरी हो जाती है। हाँ, यूं तो ठीक बात है कि हर वक्त इसकी जुबान अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे। सुनो बात, सुनो ध्यान से कि यह बात तो ठीक है कि हर वक्त इसकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, लेकिन एक ऐसा वक्त जिसमें ये सारे कामों से फारिग होकर, सारे कामों से फारिग होकर अल्लाह के साथ तन्हा हो जावे, कि अल्लाह के साथ तन्हा हो जावे जिक्र में। हमारे आस्ताद रहमतुल्लाह फरमाते थे कि अल्लाह के ध्यान के बगैर जिक्र करने से सुस्ती पैदा होती है। आमतौर से लोग शिकायत करते हैं कि जी जिक्र करने बैठता हूं तो सुस्ती होने लगती है, कि अल्लाह के ध्यान के बगैर जिक्र करने से सुस्ती पैदा होती है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र तो गफलत को तोड़ने के लिए है, कि अल्लाह का जिक्र गफलत को तोड़ने के लिए है। अगर गफलत को तोड़ने वाला अमल, सुनो ध्यान से, अगर गफलत को तोड़ने वाला अमल भी गफलत से होगा तो गफलत कैसे खत्म होगी। इसलिए हमें अल्लाह के ध्यान के साथ जिक्र करना है, कि जिक्र तन्हाई चाहता है। इसलिए वजू करके मस्जिद में या घर में बिल्कुल अल्लाह के साथ तन्हा होकर जिक्र करो सुबह शाम। तीसरे कलमे की सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलील अज़ीम, एक तस्बीह तीसरे कलमे की, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, ये सुबह शाम एहतमाम के साथ, यानी तन्हा होकर इसके लिए वक्त फारिग करके, यानी दूसरे काम करते हुए भी जिक्र कर लेना। हमने पूछा एक साहब से कि जिक्र क्या हो रहा है, कहने लगे हाँ हमारी दुकान है तो हम दुकान पर तस्बीह पूरी कर लेते हैं। मैंने कहा तुम्हें दो ग्राहकों के दरमियान इतना वक्त मिल जाता है जिसमें आपकी तस्बीह पूरी हो जावे, कि नहीं ग्राहक भी आते रहते हैं और जिक्र भी करते रहते हैं। ग्राहक भी आते रहते हैं, जिक्र भी चलता रहता है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, एक जिक्र का वो वक्त जिसमें ये अल्लाह के साथ तन्हा हो जावे, यूं चाहे ये 24 घंटे जिक्र करे, लेकिन अल्लाह के साथ तन्हा होकर जिक्र करना, कि अल्लाह को तन्हाई में याद कर, ये अल्लाह के कुर्ब का सबसे बड़ा सबब है। तिलावत एक वक्त तय करो तिलावत का। हमारे साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मैंने सुबह फजर की अजान से पहले, फजर की अजान से पहले, सुबह साजिक से पहले कुरान को देखकर पढ़ने में जो तरक्की, कुरान को देखकर पढ़ने में जो तासीर और जो अनवारात महसूस किए हैं, वो मैंने इसके अलावा किसी वजीफे में और किसी अमल में नहीं देखे।
इसलिए दिल चाहता है कि काम करने वाले तो खुसूसन चाहे थोड़ी देर की बनाओ, लेकिन सुबह सादिक से पहले, अजान से पहले फजर की थोड़ी देर कुरान देखकर पढ़ लिया करें, चाहे 5 मिनट हो, 5 आयतें पढ़ो कम से कम, मगर इसका जरूर एहतमाम हो। कुरान को देखकर पढ़ना मुस्तकिल अमल है, चाहे कोई कितना जयीद हाफिज हो। मैं कहता हूं हफाज किराम से कि कुरान को देखकर पढ़ना, कुरान को देखकर पढ़ना बगैर देखे पढ़ने से अफजल है। कि बेशक हाफिज कुरान है, इसके सीने में कुरान है, मगर कुरान को देखकर पढ़ना, बात सहाबा किराम का तो ऐसा मामूल था कि कुरान को देखकर पढ़ने की वजह से उनके कुरान फट गए थे। कि कुरान को देखकर पढ़ने की वजह से, इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों कुरान को देखकर पढ़ना यह जुबान का भी जिक्र है, आंखों का भी जिक्र है। बगैर देखे पढ़ना जुबान का जिक्र है, देखकर पढ़ना जुबान का भी जिक्र है, आंख का भी जिक्र है, और थोड़ी आवाज से पढ़ना कानों का भी जिक्र है। कि कुरान को सुन भी रहा है, कुरान को देख भी रहा है, कुरान को पढ़ भी रहा है, इसकी जुबान, इसकी आंख, इसके कान तीनों आजा जिक्र में मशगूल हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों कुरान की तिलावत का एहतमाम हो, जितना पढ़े हुए हो इतना रोजाना तिलावत करो, पढ़े हुए नहीं हो तो रोजाना अपने मस्जिद के इमाम से। इमाम साहब की जिम्मेदारी सिर्फ नमाज पढ़ाने की नहीं है, बल्कि इमाम की जिम्मेदारी है कि अपनी मस्जिद के मुक्तदियों का इतना कुरान सही करवाए जितने कुरान से नमाज सही हो जावे। ये इमाम की जिम्मेदारी है कि अपनी मस्जिद के मुक्तदियों की नमाज और उनका कुरान सही करवाना, ये इमाम की जिम्मेदारी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद के इमाम भी थे, अपनी मस्जिद के मुअल्लिम भी थे। उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ जो है अत्तहियात याद कराया करते थे, सिखलाया करते थे, इस तरह सिखलाते थे जिस तरह कुरान सिखलाया जाता है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों ये इमाम की जिम्मेदारी है कि वो अपनी मस्जिद के मुक्तदियों की नमाज खुद देखे, खुद सही करवावे, कि वह हल्का लगाकर बैठ जावे कुरान का, कि आओ कुरान सीख करें, कि आओ नमाज के मसाइल सीखें। मैं शुरू में याद कर चुका कि मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं है, मस्जिद तो मस्जिद से मुतालिक इल्म लेने की जगह भी मस्जिद है। इस तरह हमें तस्बीहात का, तिलावत का पूरा पूरा एहतमाम करना है। अगर उम्मत अल्लाह के हुकूक के अदा करने पर आ जावे, यानी इन आमाल के जरिए अपने और अल्लाह के दरमियान के मामले को दुरुस्त कर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके मखलूक के दरमियान के मामलात को ठीक कर देंगे। कि हुकूक की पामाली होती है दुनिया की मोहब्बत से, और दुनिया की मोहब्बत होती है अल्लाह से बुअद की वजह से। जो अल्लाह के जितना करीब रहेगा उसके दिल में दुनिया की उतनी बेरगबती होगी। हुकूक पामाल किए जाते हैं दुनिया की मोहब्बत की वजह से, दुनिया की मोहब्बत होती है अल्लाह से दूरी की वजह से। अगर ये अपने अल्लाह के दरमियान के मामले को ठीक कर ले, तो अल्लाह इसके मखलूक के दरमियान के मामलात को ठीक कर देंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों अजीजों, जितनी हुकूक की पामाली है वो तमाम सारी दुनिया की मोहब्बत की वजह से है। कि जितने हुकूक मारे जा रहे हैं यतीमों के, बेवाओं के, मिस्कीनों के, आवाम के,